مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم मौला ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वाजिब अल इत्राम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, तर्जुमा समाअत फरमाएं, उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं उस दाने की मिसाल है जो सात बाले उगाती है, हर बाली में 100 दाना होता है और अल्लाह तबारक व तआला इससे भी बढ़ा देता है जिसके लिए चाहता है। अल्लाह वसी बख्शिश वाला सब कुछ जानने वाला है। वाजिब अल इत्राम ये आयत करीमा के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। ये आयत करीमा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुर्रैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके बारे में नाजिल हुई। बहर कैफ इस आयत करीमा का मफहूम ये है कि जो अल्लाह की राह में एक रुपया खर्च करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे 700 गुना कम अज़ कम अपने फजल से बढ़ा देता है। ये सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को शान हासिल है कि हम एक नेकी करें अल्लाह उसके बदले में कम अज 10 और फिर बढ़ाता ही चला जाता है 700 गुना तक और फिर उसका फजल बड़ा वसी है। वाजिब अल इत्राम हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को पैदा फरमाया तो जमीन हिलने लगी, हरकत करने लगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर पहाड़ पैदा फरमा दिए जिसकी वजह से जमीन की हरकत जो है वो रुक गई और जमीन साकित हो गई। फरिश्तों ने ताज्जुब से पूछा, परवरदिगार आलम क्या पहाड़ से भी ज्यादा कोई मजबूत और ताकतवर शय है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हाँ पहाड़ से भी ज्यादा ताकतवर चीज लोहा है जो पहाड़ को भी पत्थर को भी काट देता है। फरिश्तों ने अर्ज किया, बारी ताला क्या फिर लोहे से भी ज्यादा कोई मजबूत चीज है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हाँ लोहे से भी ज्यादा ताकतवर चीज वो आग है जो लोहे को भी खत्म कर डालती है और काट डालती है। फरिश्तों ने अर्ज किया, बारी ताला आग से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस पाक बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, हाँ आग से भी ज्यादा ताकतवर चीज वो पानी है। फरिश्तों ने फिर इसके ऊपर फिर सवाल किया, अल्लाह ने फरमाया, हाँ पानी से भी ज्यादा ताकतवर चीज हवा है। फरिश्तों ने मुताज्जब होकर कहा कि इतनी मजबूत और ताकतवर शय हवा, बारी ताला क्या इससे भी ज्यादा कोई ताकतवर शय है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हाँ बंदा मोमिन का वो सदका जो अपने दाएं हाथ से दे और बाएं हाथ को खबर ना हो वो इन सब चीजों से ज्यादा ताकतवर है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस-सदका तुदफ़िउल बला, ये सदका जो है ये बलाओं को टाल देता है। वाजिब अल इकराम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद चौथे पारे की पहली आयत में फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज नेकी को नहीं पा सकते उस वक्त तक कि जब तुम अल्लाह की राह में वो चीज खर्च ना करो जो तुम्हें खुद पसंद है। वाजिब अल इकराम अल्लाह पाक के महबूब ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तैयब है और वो तैयब और हलाल को ही पसंद करता है। हजरत सुफयान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अल्लाह ताला की अतातों में उसका कहा मानने में हराम माल खर्च करे वो उस आदमी की तरह है जिसने नापाक कपड़े को पेशाब के साथ पाक किया तो वो कपड़ा पाक नहीं होगा, क्योंकि नापाक कपड़ा पाक पानी
आसानी से ही पाक होता है। इसी तरह गुनाहों की गंदगी और गुनाहों की नापाकी जो है, अल्लाह की बारगाह में हलाल माल रिस्के हलाल खर्च किया जाए, उससे ही गुनाह इंसान के धुलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह की राह में सदका देता है तो जब सदका बंदा मोमिन के हाथ से निकलता है तो वो सदका बातें करता है, कलाम करता है, वो सदका कहता है, ऐ सदका करने वाले, मैं छोटा था तूने मुझे बड़ा कर दिया, यानी अब मैं बढ़ता ही चला जाऊंगा, तेरा सवाब और अजर जो है तेरे नामा माल के अंदर ज्यादा ही होता जाएगा। फिर वो सदका कहता है, पहले तू मेरी हिफाजत करता था, अब तूने मुझे अल्लाह की राह में खर्च कर दिया है, अब मैं अल्लाह के फजल से तेरी हिफाजत करूंगा। फिर वो सदका कहता है, पहले मैं तेरा दुश्मन था, अब तूने मुझे अपना दोस्त बना लिया है। यानी इंसान के पास जब पैसा होता है तो फिर उसे डाकू का, चोर का, हसदीक का उसे डर होता है, दुश्मनों का। जब बंदा सदका करता है तो सदका कहता है कि पहले मैं तेरा दुश्मन था, यानी मेरी वजह से तेरी जान को खौफ था, अब तूने सदका कर दिया है, अब मैं तेरा दोस्त बन गया हूँ और मेरी वजह से तेरी हिफाजत होगी। फिर वो कहता है, मैं फानी था, तूने मुझे बाकी कर दिया है। यहाँ पे एक हदीस पाक है, आपको नोट करूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हुक्म दिया आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बकरी ज़िबा करो। चुनाचे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने एक बकरी को ज़िबा करवाया, उसका गोश्त तकसीम कर दिया। और हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम था कि मेरे और आपके प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दश्ती का गोश्त बड़ा पसंद था, मरहूब था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सारा गोश्त तकसीम कर दिया, सिर्फ दस्ती का गोश्त रख लिया। जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और हज़रत आयशा से पूछा, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, सारा तकसीम कर दिया है, सिर्फ दस्ती बची है। हुज़ूर ने फरमाया, जो तकसीम कर दिया है वो सारा ही बच गया है, और जो अपने लिए जो रखा है वो सिर्फ जो है वो रह गया है। यानी मकसद कहने का ये था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जो तकसीम कर गया है, जो तकसीम कर दिया गया है, हकीकत में वो बच गया है। इसलिए हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि सदका जब बंदे के हाथ से निकलता है तो सदका कहता है, पहले मैं फानी था, अब तूने मुझे बाकी बना लिया है। फिर वो कहता है, मैं थोड़ा था, तूने मुझे कसीर बना दिया है। सदका खान किसी जिनस और किसी रंग में दिया जाए, यानी आटा दे, आप पैसे दे, किसी के आप जरूरत को पूरा कर दें, किसी भी तरीके से दे, वो सदका देने वाले को दोजख की आग से निजात देने का बाइस होता है, बशर्ते सदका देने वाला मोमिन हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई भी मुसलमान जब अपने किसी भाई को खाना खिलाता है तो उसे इतना खाना खिलाए कि उससे शिकम सैर कर दे, या उसे पानी पिलाए यहाँ तक कि वो सैराब हो जाए, तो अल्लाह ताला उसको दोज़ख की आग से दूर कर देता है। और उसके दरमियान जिसने खाना खिलाया अल्लाह की रजा के लिए, जिसने किसी को पिलाया अल्लाह की रजा के लिए, उस बंदे के दरमियान और दोज़ख के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला सात खंडक हायल कर देता है। वो सात खंडकें ऐसी हैं कि हर खंडक के दरमियान जो है 500 साल की मुसाफत का फासला है। यानी यूँ समझ ले, जैसे नहर होती है तो नहर की एक तो लंबाई होती है किलोमीटर्स के अंदर, हजारों किलोमीटर्स के अंदर, सैकड़ों किलोमीटर्स के अंदर एक नहर की चौड़ाई होती है। फरमाया कि उन इस तरह वो जो खंडक होगी वो इतनी उसके दरमियान मुसाफत है जितनी कि 500 साल बंदा ट्रेवल करता रहे। मकसद कहने का ये है कि जो अल्लाह की राह में किसी को खाना खिलाता है अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह उस बंदे को दौलत से निजात अता कर देता है। याद रखिए कि यहूदियों के सबसे बड़े आलम दीन, अहले इलम, अहले किताब के सबसे ज्यादा आलम दीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस्लाम ले आए। बाद में किसी ने पूछा कि आप तो अहले किताब के बहुत बड़े आलम दीन थे, आपने यकदम ही इस्लाम कबूल कर लिया, इसकी क्या वजह है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम कहते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु,
जब हजूर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लाए तो बड़ी शोहरत थी। जब अभी तशरीफ लाए थे तो हजूर ने एक स्पीच की, एक बात किया, हजूर ने बयान दिया। मैंने कहा मैं जाके सुनूं तो सही क्या कहते हैं। मैं हजूर की मजलिस में हाजिर हुआ। हजूर ने सिर्फ तीन बातें कही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ आते ही पहली बात ये कही, वातीमुत्ताम लोगों को खाना खिलाओ, वाशुस्सलाम लोगों को सलाम करो, लोगों के लिए सलामती बन जाओ, और तीसरा फरमाया कि जब लोग सो रहे हों उस वक्त तुम नमाज पढ़ो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम कहते हैं मैंने जब ये तीन बातें सुनी मैंने कहा ये वाकई अल्लाह के सच्चे आखिरी नबी रसूल हैं, क्योंकि मैंने जितने भी आसमानी किताबों का मुताला किया है उन सब का निचोड़ जो है वो ये तीन बातें हैं। वाजिब एहतराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तक मिनन नार वलाओ बिशिक की तमरा, अपने आप को दोजख की आग से बचाओ अगरचे एक खजूर ही अल्लाह की राह में सदका करके बचाओ। आखिरी एक बात समाप्त कीजिए, बनी इसराइल में एक मरतबा मुसलसल कई साल से शदीद तरीन कैद साली पड़ गई, लोगों के पास खाना बहुत कम हो गया। एक औरत के पास एक रोटी का टुकड़ा था, उसने खाने के लिए अपने मुंह में रखा, जो ही मुंह में रखा एक साइल आ गया मांगने वाला, उसने उसको दे दिया और अपने बच्चे को लिया जो अभी छोटा था और जंगल में लकड़ियां काटने के लिए और सामान खुर्दोश की तलाश के अंदर निकल गई। वो अपने काम काज में जंगल में मसरूफ थी, एक भेड़िया आया और उसके छोटे बच्चे को उठाया और दौड़ गया, उसके पीछे भागी। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राईल जाओ इस बच्चे को भेड़िए के मुंह से निकाल कर इसकी वालदा को दे दो, क्योंकि इसने भी ऐसे किया था, इसकी वालदा ने मेरी रजा के लिए अपने मुंह से लुकमा निकाल के मेरी राह में खैरात किया था, मैं इसके बच्चे को भेड़िए के मुंह से छीन के इसे वापस कर दूंगा। ये हकीकत बात है, इंसान जब सदका करता है यकीनन अल्लाह तबारक व ताला उसके रिजल्ट के अंदर बरकत अता करता है। तो ये मस्कीनों का और गुरबा का हक भी है, तो जिन लोगों को अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया है उन्हें अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों अहबाब में, अपने पड़ोसियों में मुसलमानों की तरफ देखना चाहिए, और उनके लिए बिलखसूस इन दिनों के अंदर रमजान शरीफ है, ईद के दिन है, उनके लिए जो है वो सानिये पैदा करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला इन बातों को याद रखने अमल करने की तौफीक अता करे। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدل الجود والكرم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پروردگار عالم تیری توفیق سے رمضان شریف کا روزہ رکھا نماز فجر ادا کی چند لمحے ذکر و فکر کیا ہماری حاضری کو شفیع قبول عطا فرما ماہ رمضان کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما مالک و مولا اپنے فضل سے हमारी खताओं को नेकियों में तब्दील फरमा मालिक व मौला माह रमजान की बरकत से बीमारों को शिफा अता फरमा जो मुसलमान चले गए उनकी कामिल मगफिरत फरमा मालिक व मौला जो परेशान आलम की परेशानियों को दूर फरमा जो तंग दस्त है उन्हें वसत रिज़्क अता फरमा मालिक व मौला जो बे औलाद हैं माह रमजान की बरकत से उन्हें साहिब औलाद बना जो साहिब औलाद हैं उनकी औलाद नाफरमान है मालिक करीम माह रमजान की बरकत से उनको अपने वालिदैन का ताबे फरमान बना नेक और साले बना जो औलाद नरीना के तलबगार हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा माह रमजान की बरकत से जिन लोगों ने भी दुआओं के लिए कहा माओ बहनों ने जिनके बच्चों और बच्चियों के रिश्ते के मसाइल हैं मालिक और मौला उन्हें अच्छे असबाब अता फरमा माह रमजान की बरकत से सब हाजरीन की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा सबके घरों पर अहल और याल पर अपना फजल करम फरमा हम सब की दीन और दुनिया को बेहतर फरमा आलम इस्लाम और पाकिस्तान की खैर फरमा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा आपके रोज़े कुल अनवार की बार बार वादा हाजरी नसीब फरमा मुसबिबुल असबाब माह रमजान है कबूलियत के लम्हात है हमें जिंदगी में बार बार हज उमरे की सआदत अज़ीम अता फरमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबीही अजमाईन।